व्यक्तियों पे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ऑन पेज पे ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑफ पेज की तुम्हारी गिग है, ऑफ पेज पे नहीं ऑर्डर, ऑन पेज पे प्लेस हुआ है। ऑन पेज में तो तुम्हारा काम ही नहीं है बैकलिंक्स का सर, लेकिन ऑर्डर तो उसने डिस्कशन भी नहीं की और आके ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज भी किया तो आप शायद बिजी थे। ठीक है, देखो मानूर, इसमें वही बात है कि जैसे जो मैंने बीरा को कहा था, नंबर वन सबसे पहला तरीकेकार ये है कि ऑर्डर को कंप्लीट करने की कोशिश करो अगर तुम रेटिंग और रिव्यू चाहते हो। ठीक है, नंबर वन गो फॉर ऑर्डर कंप्लीशन, ट्राई टू गेट ऑर्डर कंप्लीटेड ताकि तुम्हारी तुम्हें रेटिंग या रिव्यू मिल जाए, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात यह है इसमें कि जो बातें असल में सारी की सारी ना रिपीट करनी पड़ रही है सर, मैं फिर अबीरा से पूछ लूंगी, आप बाकी स्टूडेंट्स से मैं बता दूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज है, मैंने पूरा सब 100 बंदों को बता दिया, वो बात रिपीट करूंगा 10-15 मिनट ज्यादा। समझ में आ गया ना, ऑर्डर इसका गलत प्लेस हुआ है इस गिग के ऊपर, तो इसके पास वही 3 सोल्यूशन जो मैंने तुम्हें बताए थे। सही है सर, ठीक है ठीक है, इसको सर बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऑर्डर कैंसिल वो ना कर दे इस खौफ से मैं तो ना गुजरूं, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि 30 डेज बाद हो सकता है अगर रैंकिंग ना आई तो मैं कैंसिल कर दूंगा ऑर्डर। चलो तुम्हें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, 30 डेज का टाइम तो तुम्हारे पास है, एक काम करो बीरा से पूरा का पूरा ये चीज तफसील से डिस्कस करो और उसके बाद फिर मुझे मैसेज करो। ठीक है, फिर मैं उसके बाद में ओके सर, अल्लाह शुक्रिया, वेलकम। अच्छा जी आगे चलते हैं, आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने दोबारा आज डे 2 है उसका। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम लोग 2-3 तरीकों से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब कोई कंपनी आती है फॉर एग्जांपल हमारे पास, वो कहती है कि हमारी ये सर्विस है इसकी तुम लोग मार्केटिंग करो, वो सर्विस किसी किस्म की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं गाड़ियों की क्लीनिंग सर्विस है, कोई कहता है कि मैं लैपटॉप रिपेयर काम करता हूँ लैपटॉप रिपेयरिंग का, कोई कहता है मैं घरों की सफाई करता हूँ प्रोवाइड करता हूँ, कोई कहता है कि मैं इस किस्म की कोई भी सर्विसेज है। ठीक है, तो दिस इज ऑल सर्विस बेस्ड काम जिसमें तुमने उसकी सर्विस को बेचना है, उसकी सर्विस किसी किस्म की हो सकती है, वो प्रोडक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, मतलब ये कोई मोबाइल फोन नहीं बेच रहा कोई, या फिर कोई बंदा कोई पेन नहीं बेच रहा, ये एक सर्विस है जो बेच रहा है। सर्विस क्या है, मैं मोबाइल फोन नहीं बेच रहा लेकिन मैं मोबाइल फोन का रिपेयरिंग का काम कर सकता हूँ, आपका अगर कोई रिपेयरिंग का काम है मोबाइल फोन टूट गया तो मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयर करता हूं, तो ये हो गया सर्विस बेस्ड काम। दूसरा हो गया फॉर एग्जांपल कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनको बिल्ड करना होता है, कम्युनिटीज की एग्जांपल आप लोगों में से कोई दे सकता है उसके बाद फिर मैं दूंगा। कोई बंदा
कम्युनिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर एक पेज है रिलीजियस एस्पेक्ट से, ठीक है, ये फेसबुक है और मेरा ख्याल है एक बंदा था उसका नाम था राजा जिया, नाम है उसका शायद राजा जियाउल हक है, अब ये इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ लेक्चर्स देता है, मुख्तलिफ इस्लाम के ऊपर बातें करता है, दीनी एतबार से कुछ डिस्कशंस वगैरह करता है, तो ही इज अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान है, जरा मॉडर्न है, यंग लड़का है, यंग लड़का कह लो उसको, या मतलब अर्ली 40s में होगा या 40 का होगा या 40-42 का होगा, तो अब उम्र का मैं वो वाला हिस्सा आ गया कि मैं 40-42 को भी यंग लड़कों में ही कंसिडर करूंगा, ठीक है ना, बंदा जैसे जैसे उम्र के खुद उस हिस्से में पहुंच रहा होता है वो दूसरों को भी यंग समझ रहा होता है, अपने आप को भी यंग तस्वर कर रहा होता है, तो अब ये फॉर एग्जांपल एक वो है, अब ये सर्विस नहीं बेच रहा, इसकी कोई सर्विस नहीं है जो कि आपने मार्केट में आके बेचनी है, ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी गाड़ियों के जो है ना वो टायर घर पे आके टायर पंचर आपके गाड़ियों के लगा दूंगा या फिर मैं कुछ किस्म की और काम कर दूंगा, ये नहीं कह रहा, ये क्या कर रहा है, ये इस्लाम की बातें कर रहा है, इसका एक अपना एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर ये जो भी इस्लाम की है रेप एंड बेहयाई के ऊपर बात की हुई है इसने, नीचे आ जाओ तो उसके बाद वही रेप एंड बेहयाई के ऊपर इसने एक और बात की है, ठीक है, यहाँ पे डार्विन इन पाकिस्तान, डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की वो पाकिस्तानी निसाब के अंदर उसको एंटर कर दिया गया है, तो उसके ऊपर इसने अपनी बात की है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक कम्युनिटी है, दिस इज अ कम्युनिटी, ठीक है, तो इसमें अगर आप इसकी मार्केटिंग करोगे तो इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग, और एग्जाम्पल कोई बंदा, अब कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है कम्युनिटी की, लाजमी नहीं है कि वो रिलीजियस हो, एनीवन सर टेक्नोलॉजी मोटिवेशनल स्पीकर है कासिम अली शाह की, हाँ ठीक है कासिम अली शाह, वंस अगेन सही कह रही है, कौन है बीरा थी है? Yes, sir. सर मोबाइल एंड टैक्स की, हाँ मोबाइल एंड टैक्स की, मोबाइल एंड टैक्स सर सनी, मोबाइल एंड टैक्स में क्या होगा, क्या है ये कोई पेज है फेसबुक का, नहीं सर मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो डे टू डे चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं और इंफॉर्मेटिव चीजें जितनी भी हैं वो, ठीक है वो तुम दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन का, हाँ जी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है डिफरेंट किस्म की और ऑप्टिमाइजेशन होगी इस तरह की चीजें, मतलब ठीक है, अब तुमने बेसिकली बात कर दी कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ब्लॉग है बेसिकली, इस केस के अंदर तुम्हारा ब्लॉग होगा कि तुम एक आर्टिकल लिख रहे होगे और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होगे, या फिर ब्लॉग ना भी हो कोई भी लेटेस्ट न्यूज जो है वो तुम फेसबुक के ऊपर बेच रहे होगे, सेल कर रहे होगे या पोस्ट कर रहे होगे, सेल नहीं पोस्ट कर रहे होगे, अब ये कासिम अली शाह है, एक और फेसबुक का ग्रुप है शायद तुम लोगों ने उसका नाम सुना हो, मैंगो बास के नाम से, पर्सनली इनकी हरकतें इनकी बातें मुझे पसंद नहीं है, मैं इनको सही नहीं समझता, इनकी हरकतें अमूमन जो है ना वो जरा इतनी खास नहीं होती हैं, काबिल कदर नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल एग्जाम्पल समझाने के लिए इट्स एन एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल मैंगो बाज है, अब मैंगो बाज इट्स अ पेज, मतलब ये भी एक कम्युनिटी की तरह है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो शेयर हो रही होती हैं, कुछ न्यूज हैं वो शेयर हो रही होगी, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल इन्होंने शेयर किया हुआ है कि ए बी सी डी और ए बी उल्टी, ठीक है, मतलब दिस इज ए बी सी डी और ये ए बी उल्टी हो गई यहाँ पे, तो इस तरीके से एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से ये लोग चीजें काफी काफी शेयर कर रहे होते हैं, तो दिस इज अनदर चैनल, अनदर फेसबुक पेज जो कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है
और ये एक एक कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ एक डेवलप की हुई है उन्होंने, ठीक है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. अच्छा, इसके बाद ये हमने डिस्कस कर ली कम्युनिटी. सर्विसेज की एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी कि सर्विसेज में कोई भी बंदा है वो अपनी सर्विस को सेल कर रहा है, तो आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उसकी जो भी कंपनी है, सर्विस है, ब्रांड है, आप उसको सेल कर सकते हो. प्रोडक्ट और सर्विस में कंफ्यूज नहीं होना. प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर आप एक सर्टेन प्रोडक्ट को सेल करते हो. प्रोडक्ट वो होता है कि जिसके अंदर आप एक सर्टेन प्रोडक्ट को सेल करते हो. वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आप कहते हो मैं मोबाइल फोन कवर सेल कर रहा हूँ, मैं अपना आजकल खजूरें आई हुई है, रमजान का मौका है, मैं खजूरें बेच रहा हूँ, अजवा अंबर बेच रहा हूँ मैं. उसके अलावा आप क्या कहते हो कि भाई मेरे पास जमजम पड़ा हुआ है, मैं जमजम सेल कर रहा हूँ. आप कहते हो मेरे पास किताबें पड़ी हैं, मैं किताबें बेच रहा हूँ, मैं बच्चों के खिलौने बेच रहा हूँ. वट एवर इट इज, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है. तो बेसिकली जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हो, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ये बेसिकली दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी जिसमें आप उनको डिफाइन कर सकते हो. ज्यादा भी हो सकती है, ये बेसिकली. सर्विसेज के अंदर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होगे, मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी सर्विस के लिए काम कर रहे हो. कम्युनिटी के अंदर आप वंस अगेन किसी और के लिए काम कर रहे होगे, किसी पब्लिक फिगर के लिए काम कर रहे होगे, किसी आप पेज के लिए काम कर रहे होगे, कंपनी के लिए काम कर रहे होगे. प्रोडक्ट के अंदर आप किसी का ई कॉमर्स का स्टोर है, वो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है, आप उसके लिए उसका प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है. इस चीज को मैं लेटर ऑन सब डिवाइड करूंगा. अच्छा, ये एक आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, और आप किसी और